नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। ये वीडियो जनाब बन रही है ईरान से और अभी मैं हूँ बलूचिस्तान प्रोविंस में और जिस होटल में यार मैं रुकती हुई हूँ ना, चाबहार में, चाबहार है टाउन का नाम, उसका नाम है ये सफीडे। तो यार ये बजट फ्रेंडली होटल है, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं टाउन में तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। और अभी यार टैक्सी लेनी है हमें आउटस्कर्ट जाने के लिए और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल, मतलब एक फिनोमिना सा है, बड़े स्पेशल से पहाड़ हैं, ऐसे लगता है आप मार्स मरकुरी में चले गए, तो उधर जाने वाले हैं। तो सही, ये जनाब पता नहीं क्या बोल के गए हैं फारसी में गाड़ी से, बट उस तरफ गेड़ा मार के आते हैं अगर हो पाया तो, क्योंकि यार आज फ्राइडे है और सारा, मतलब सब कुछ बंद पड़ा है, बहुत कम दुकानें हैं जो खुली हुई हैं। चाबहार यार थोड़ा सा महंगा है दूसरे टाउन के हिसाब से, तो मतलब आपके 50 रुपये हर चीज़ में या 40 रुपये ज़्यादा लगते हैं। यार मैं इधर सोच रही हूँ कि सेब ले लूँ, रामीन पहुँची हूँ, बट गर्म इलाका है यार, पता नहीं सेब कैसे रहेंगे, तो ये दो सेब लिए मैंने। सलाम, ठीक हो? ओके, उर्दू जानते हो कि नहीं? नहीं, ओके। एंड यार यहाँ पे ना सुपरमार्केट जो करियाने की दुकान है ना, वहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी रहती है ईरान में मोस्ट दुकानों में, तो आप लोगों को किसी भी टाइम कॉफ़ी चाहिए होगी तो ऐसे सुपरमार्केट में आएंगे तो मिल जाएगी। कितना हुआ? 30। तो सही यार, यहाँ से फिर अभी चेकिंग शुरू करते हैं आगे काचो तक की। तो यार ये रामीन है भाई, यहाँ से हिचहाइकिंग शुरू करते हैं और जिस जगह हमें जाना है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है, तो सही। एंड देखते हैं क्या सीन रहता है, बट यार बहुत ज़्यादा लोडेड है, रुकेगी नहीं शायद ये। ये गाड़ी थी जिसमें मेरे को लिफ्ट मिली, कबाड़ की गाड़ी थी आई थिंक सो। एंड ये जा रहे हैं पासा बंदर, तो जो हार्बर है लास्ट हार्बर उस तरफ ही जा रहे हैं ये, बट मैं नहीं गई यार, मेरा प्लान था बट चेंज हो गया प्लान क्योंकि आज फ्राइडे है, ठीक है, और सब कुछ बंद रहेगा। हाय रब्बा, ये कुत्ता मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ए, मम्मी, अरे दो दो कुत्ते भाई। भाई दो दो कुत्ते किस खुशी में आ रहे थे? सलाम। तो यार ये देखिए आप लोग सामने व्यू, ये लोग इसको यहाँ पे मारिटियन माउंटेन बोलते हैं एंड ये भाई चाबहार में है और कुछ लोग इसको मरकुरी माउंटेन भी बोलते हैं, तो बहुत दूर है, मतलब ऐसे पूरी लाइन से पहाड़ बने हुए हैं जिनका ज्योग्राफी है जो वो कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ऐसी फॉर्मेशन अचानक से यहाँ पे फॉर्म हुई है, क्योंकि जो चाबहार में ये पहाड़ हैं वो दूसरे टाइप के हैं। बाकी मैं कुछ ड्रोन की यार वीडियो निकालूँ, क्या पता उसमें दिखें, बट बहुत दूर है यार, पास नहीं है, दूर है, उस तरफ पड़ता है रास्ता। बट एक बात यार अच्छी है कि चाबहार में सारी चीज़ें रोड के पास ही हैं,
तो आप लोग हिचाइकिंग बहुत आराम से कर सकते हो। तो सब कुछ आपको इधर रोड के पास ही मिलेगा, एंड आप लोग हिचाइकिंग करोगे तो कोई भी आपको ड्रॉप कर देगा रोड के आसपास ही। हिसाब से आई थिंक बहुत सुंदर प्यारी जगह है, बट ईरान में टूरिज्म नहीं है तो वो एक अलग बात है, बट बहुत प्यारी जगह है एक्चुअली बलूचिस्तान। अगर आप लोग को कभी भी मौका मिले एक बार ज़रूर घूमने आना। एंड ये जो जनाब है इनका इधर घर है सामने, एंड ये बलोच भाषा ही बोलते हैं। हाँ जी बलोची। हाँ तो यार जनाब बता रहे मुझे कि इनका घर गुरुंगकाश में है, यहाँ पे पास में थोड़ी जगह, और इधर ये जो माउंटेन एरिया इसकी ड्यूटी के लिए रहते हैं ये यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी यार उर्दू बोलते हैं यहाँ पे लोग, आपको मिल जाएंगे। बीवी उधर गांव में। हाँ ओके तो सही यार, पानी वानी पिया एंड अब हल्का सा चल के आते हैं उस तरफ। तो यार मैं दरिया के पास जा रही थी एंड यहाँ पे हमें ऊँट दिखा है, ऊँट या ऊँटनी आप लोग देखिए, बालोच कैमल भाई। ये हल्का सा डार्क ब्राउनिश से कलर में है एंड पालतू है क्योंकि गले में घुंघरू वगैरह हैं। बांधा हुआ है यार। हाँ बांधा हुआ है चेन से। तो ये देखिए आप लोग इधर रेगिस्तान में कैमल। नाइस सुंदर भाई गजब। सामने मरकुरी माउंटेन और यहाँ पे कैमल। आई थिंक इज नॉट हैप्पी कि मैं आई हूँ इधर। तो जनाब यार ये रहा अपना सेब, ठीक ठाक है सही है, एंड ये रहा कोस्ट। और जिस जगह यार सरकार नहीं होती ना, गवर्नमेंट के लोग नहीं होते, वहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं ईरान में अपना मस्त। तो लोग इधर भी कुछ लोग हैं स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ लोग इधर भी पिकनिक में आ रखे हैं, लड़कियां भी एक्चुअली उस तरफ लड़कियां भी हैं। तो कैमरा में नहीं दिख रहा लेकिन आँखों से दिख रहा है। तो अगर ईरान में आप सरकार से छुप सको तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, लोगों की मस्त लाइफ चल रही है अपनी एंड सब सही। यार इस कोस्ट को बोलते हैं मकरान कोस्ट यहाँ पे ये लोग। बेरिस टाउन था सामने एंड इधर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक व्यू पॉइंट एरिया देखने के लिए, बाकी सिर्फ एक छोटा सा टाउन ही है। तो इधर व्यू पॉइंट देखने के लिए आ रखे, आप लोग देखे भाई हार्बर के नज़ारे कितने मस्त दिख रहे हैं। वाओ एंड ये वॉकिंग के लिए जगह बना रखी है।
नाइस। और जनाब यार जो ये मरकरी माउंटेन है ना, आप लोगों को सामने ही दिख रहे होंगे, ये पूरा आगे पाकिस्तान तक जाते हैं, तो इनका ये सीन है, हिसाब किताब है पूरा आगे होते होते। तो भैया इस तरफ देखिए जनाब, इधर इनको फिशिंग का काम हो रहा है। और ये जो सामने आपको मकान छोटी छोटी बिल्डिंगें दिख रही हैं ना, ये एक्चुअली फैक्ट्रियाँ हैं जो मछली वगैरह का कैन वगैरह पैक करती हैं, तो वो सामने दिख रही हैं। तो बिजनेस हब टाइप की भी जगह है ये, और गजब। ये बैरिस टाउन यार फेमस है अपने हार्बर व्यू पॉइंट के लिए, जो कि हमने देखा अभी, आप लोगों ने भी देखा। और यहाँ से पाकिस्तान भाई बहुत पास पड़ते हैं, और जो ये लोकल लोग हैं ये बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह करते रहते हैं। हाँ, ईरान पाकिस्तान की तरफ इनका सही है, मतलब सिस्टम अपना बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह पॉसिबल है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सनसेट टाइम है, बहुत लोग आ रखे थे व्यू पॉइंट के लिए। बाकी अब हम चलते हैं चाबहार की तरफ, 5 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। सामने इधर गाड़ी में लिफ्ट मांग के आई थी मैं, एंड उन्होंने बिल्कुल यार होटल के बाहर तक ड्रॉप किया है। तो ईरान के लोगों की भाई खातिरदारी मतलब एक नंबर। एंड आज जुम्मा का दिन है और अभी सारे रेस्टोरेंट बंद है, शामी 7 बजे ओपन होंगे, तो 1-2 घंटे बाद जाएंगे कुछ खाना वाना खाने। तो जनाब यार अभी ये वीडियो एंड करने का तो टाइम आ गया, बट खाना खाने के लिए आ रखी थी मैं। एंड ये देखिए चावल है इधर ईरान में, और दाल अगेन यार सरप्राइजिंगली इसका भी पेस्ट ही है, ये हरी वाली दाल का भी ये लोग ऐसे पेस्ट में ही बनाते हैं, बलोच वाली जगह, बलूचिस्तान में। तो अगर इसका कोई ट्रेडिशनली नाम है तो कमेंट में बताना भाई, अगर कोई बलूचिस्तान से देख रहा है वीडियो तो। या बट सही है, वेजिटेरियन ही है वैसे।